हाय दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल। मेरे यूट्यूब चैनल इन लर्निंग में दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त लस और मस, एलसीएम और एससीएम। दोस्तों, यह जो अध्याय है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपकी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तथा प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा सी टेट, यूपी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्याय काफी महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय को हम अपने परीक्षा के दृष्टिकोण अर्थात सी टेट के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। और क्योंकि यूपी टेट में जो है बेसिक तो नहीं पूछता, किंतु सी टेट में जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिक पूछता है। तो आज हम लोग इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं और ये देखते हैं कि इसकी गुत्थी कैसे सुलझेगी और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, सी टेट में जो एलसीएम और एससीएम से जो प्रश्न आते हैं, वो जो प्रश्न होते हैं वो एनसीईआरटी से उठा के डाले गए होते हैं। तो उसमें जो दिक्कत होती है वो शब्द को लेकर होती है। उसके जो शब्द होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और हम आपको लगता है ये कौन सा लैंग्वेज है, या हमें लगता है ये सार गुणनखंड, सार गुणज, ये क्या है। आज चलिए इसको हम लोग इस लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं और मैं प्रयास ये करूंगा। यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्रत्येक प्रशिक्षु तक पहुंचाइएगा जरूर, क्योंकि मेरी जो मेहनत है यह सभी तक पहुंचना चाहिए, इसका लाभ सभी लोग ले पाए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज का चैप्टर एलसीएम और एससीएम। तो एलसीएम और एससीएम पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ से एक प्रश्न भर के आता है एलसीएम और एससीएम का फुल फॉर्म। तो जैसा कि हम जानते हैं एससीएम का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, यह दोनों फुल फॉर्म आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों आप सभी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अरे दोस्तों, अब हम लोग कुछ इसकी बेसिक समझते हैं और ये समझते हैं इसको कैसे निकाला जाता है, इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या इसमें कठिनाई आती है, क्या क्या इसकी दिक्कत है, या कैसे इसको प्रश्न को समझा जाता है। कभी कभी लेसन मतलब क्वेश्चन जब थ्योरी टाइप का रहता है तो हम ये नहीं सोच पाते हैं इसका लेसन निकालना है, इसका मतलब निकालना है। किंतु आज हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे कैसे किसी प्रश्न का लेसन और मतलब आसानी से निकाला जा सकता है, समझा सकता है। ये दोस्तों, हमें उठाते हैं टॉपिक 16 और 24 का। पहले हम मर्सन निकालते हैं। पहले मर्सन निकालने की तीन विधियों को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, मर्सन को हम लोग कहते हैं एससीएफ। तो पहले हम लोग एससीएफ को पढ़ते हैं। एससीएफ दोस्तों, एससीएफ के लिए कुछ चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एससीएफ कैसे निकालते, जैसे हमें निकालना है 16 और 24 का आपको एससीएफ निकालना है। इसकी तीन विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, जिसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 16 का गुणनखंड लिखते हैं, 2 × 2 × 2, फिर 24 का गुणनखंड 2 × 2 × 2। अब एससीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने कॉमन माने दोनों में, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, फैक्टर माने जो दोनों में विद्यमान हो। दोस्तों, वह ऐसा नंबर जो दोनों में विद्यमान हो या सभी में विद्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? एससीएफ कहते हैं अथवा मर्सन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें हमें याद होता है यहां तो ये तीन डोमेन दिखा देते हैं, इसको लिख लेंगे 2 × 2 × 2 बराबर। इसका जो एससीएफ प्राप्त हुआ वो हमें मान 16 और 24 का जो एससीएफ है वह कितना है आपका? 8 है। किंतु दोस्तों, एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है कि अगर विकल्प में 4 अथवा 2 दिया होता तो क्या 4 और 2 नहीं हो सकता? क्योंकि 8 से देखिए 16 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, इसलिए इसका मर्सन होगा। लेकिन 4 से भी तो दोनों कट जाएगा, 2 से भी दोनों कट जाएगा, क्या 2 इसका मर्सन नहीं हो सकता? क्या इसका 2 मर्सन नहीं हो सकता? हो सकता है। अब देखिए कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, अगर दी गई संख्या जिस संख्या से विभाजित हो जाती है वही संख्या क्या होती है? उस संख्या का मर्सन होता है। लेकिन दोस्तों, हमने लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने ऐसा संख्या जो सबसे बड़ा हो, जैसे
ये 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, किंतु 8 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 16 और 24 दोनों कट जाएगा, जबकि 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, किंतु 8 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 16 और 24 दोनों कट जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इसका जो मैसा है वह आपका 8 है। समझ गए आप लोग? कहने मतलब वो सबसे बड़ा संख्या जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाए, तीनों संख्या विभाजित हो जाए, उसी को कहते हैं हम मैसे। 4 से भी होंगे, 2 से भी होंगे, किंतु 8 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 16 और 24 दोनों विभाजित हो जाएंगे। इस प्रकार इसका जो मैसा है, इसका जो एचसीएफ है वह क्या होगा आपका, वह होगा 8। अब देखते हैं इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। अब देखते हैं भाग विधि से मर्ष ज्ञात करना। भाग विधि कैसे? अब 16 से 24 को डिवाइड कर दें तो 16 का 16 माइनस किया, अब इस 8 से 16 को डिवाइड कर दें, दो बार किया, अब जो यह संख्या प्राप्त होगा आपका यही बात, इसे कहते हैं हम लोग महसके। इसे महसके कहा जाता है, माने इस संख्या से 16 24 दोनों विभाजित हो जाएगी, यही होता है आपका महस या एचसीएफ इसी को कहते हैं। और देखते हैं दोस्तों और आगे एक विधि और होती है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे सीटेट में एक लैंग्वेज आता है सार्वभुरनखंड, सबसे बड़ा सार्वभुरनखंड, तो सार्वभुरनखंड का मतलब क्या होता है आज हम लोग समझते हैं। अब 16 और 24 को सार्वभुरनखंड के माध्यम से हम लोग इसका मसा निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सार्वभुरनखंड का मतलब ही होता है मस ज्ञात करना। चलिए देखते हैं दोस्तों ये कैसे ज्ञात होगा। अब 16 का गुणनखंड कर दीजिए, 16 गुणनखंड क्या होगा, यह ए से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 16 से, 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब यह देखना है कि वह कौन सा गुणनखंड है जो दोनों पदों में, माने 16 में भी और 24 में, जो दोनों में होगा भैया पर क्या होगा ऐसा होगा, किंतु सबसे बड़ा सार गुणनखंड जो होगा वही क्या होगा। हम देखते हैं दो इसमें भी है, क्या दो से बड़ा भी है, हाँ, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 8 या 8 है, 16 इसमें नहीं है, तो हमें प्राप्त हुआ जो 8 है यह दोनों में है, यह सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा। तो आप हम लोग समझ में गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे कि सार गुणनखंड का तात्पर्य होता है ऐसा गुणनखंड जो दोनों में सबसे बड़ा विद्यमान हो, इसी को हम मस भी कहते हैं, इसी को हम एचसीएफ भी कहते हैं। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया कि मस क्या है, क्या इसको सार गुणनखंड कैसे कहते हैं। दोस्तों अब आप लोग भी एक प्रश्न लिखिएगा, 48, 56 और 72 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा। अब ये अगर करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम, उसके बाद दोनों को मिक्स रूप से पढ़ते हैं, दोनों कैसे साथ रूप से निकालते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 16-24 का आपको ज्ञात करना है लस। दोस्तों जो लसक ज्ञात किया जाएगा इसकी दो विधियां होती है, एक विधि हो गई आपकी भाग विधि, दूसरी विधि गुणनखंड विधि। अब एक एक का प्रयोग करेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं भाग विधि, इसका प्रयोग सर्वथा सबसे ज्यादा होता है। अब ये हो गया 16 और 24 को डिवाइड करेंगे, अरे सब छोटे से क्या डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड किया, 16 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 4, 6, 2 से डिवाइड किया, 2, 2 से डिवाइड किया, 1, 3, फिर 3 से डिवाइड किया, अब क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 बराबर 48। इसका जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो हो गया 48। अब इसका मैं एलसीएम जो प्राप्त हुआ वो हो गया 48। अब दूसरी विधि गुणनखंड विधि देखते हैं, गुणनखंड विधि क्या है,
16 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, फिर 24 का 2 × 2 × 2 × 2। अब क्या करेंगे, अब यह देखेंगे वह कौन जो भी गुणनखंड है वो सबसे ज्यादा बार किस पद। तो हम देखते हैं 2 16 गुणनखंड में 4 बार है और यहाँ पे 3 बार, तो जिसमें ज्यादा बार होता है उसको हम लिखते हैं, ज्यादा बार वाले क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। दूसरे पंक्ति में आएंगे, इसमें 3 एक बार दिया है, दूसरे पंक्ति में 3 नहीं दिया है, एक बार लिख लेंगे, 3 प्राप्त हो गया 48। हम कह सकते हैं इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 3। समझ आप लोग को, यह है भाग विधि और गुणनखंड विधि से लर्ष ज्ञात करना। अब दोस्तों अब जो है इसको सीटेट में जो प्रश्न आता है उसको कहते हैं सबसे छोटा सारगुणज। सबसे छोटा सारगुणज, सारगुणज का तात्पर्य होता है पहाड़ा। सारगुणज का तात्पर्य क्या होता है, पहाड़ा। तो पहाड़ा देखिए कैसे, अगर 16 24 का लसन निकालना है सारगुणज की विधि से, हम लोग निकालेंगे अब 16 का गुणज क्या होगा, पहले 16 16 32 64 80 96 112 128 144 147 बढ़ता जाएगा। उसी तरह 24 का लिखिए, 24 41 48 24 72 24 96 और 24 25 120 144 168। तो अब हमें देखना है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा सारगुणज क्या है। हम देखते हैं यहां पे 16 24 32 48 यहां में मिलता है, 48 48 तो उसके बाद मिलता है 96, उसके बाद मिलता है, किंतु यह पूछा है कि सबसे छोटा सार, सबसे छोटा सारगुणज क्या है। तो सबसे छोटा सारगुणज कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटा सारगुणज देखिए इसमें 3 गुणज मिले, सबसे छोटा क्या है 48। इस प्रकार कह सकते हैं 16 और 24 का सबसे छोटा सारगुणज कितना होगा, 48 होगा, और 48 ही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा या लस होगा। इस प्रकार हमें कह सकते हैं इस सारगुणज को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अब दो लाइन लिख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पहला यह कि किसी जब देता है किसी भी संख्या का सबसे छोटा सारगुणज निकालना है तो हम वहां सदैव लस निकालते हैं। यदि यह दे दिया कि किसी भी दी गई संख्या का सबसे बड़ा सारगुणन खंड होगा तो वहां पे हम लोग म स ज्ञात करेंगे या म स निकालेंगे। समझ में आ गया आप लोग को, अगर आपको समझ में आ गया होगा इसे नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि एकदम बेसिक है। अब दोस्तों प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न कैसे आएंगे, अब ये दोनों आपको समझ में आ गया, लस मस दोनों निकालने विधि, मतलब 3-3 विधि आप लोग को बता दी। अब लस मस की तीनों विधि आप लोग जान गए तो और आगे देखते हैं कि एक ही विधि में लस और मस दोनों कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देख लेते हैं, इस तरह लस और मस दोनों हम एक ही जगह से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 16 से उठकर करते हैं, 2 × 4 × 8 × 16 24 × 2 × 2 × 2 इसका जो एलसीएम होगा वो जो दोनों में विद्यमान है 1 2 3 2 × 2 × 2 × 2 एलसीएम जो ज्यादा दो ऊपर देखते 4 बार है, 4 बार 1 2 3 4 फिर 3 से
इसमें एक बार है नहीं हो पाते, तो इसका एलसीएम जो है 48 एलसीएम और भागीदारी से भी क्या निकल सकते हैं, भागीदारी से भी निकाल सकते हैं कैसे, सोलह अगर आपको निकालना है। अब दी गई संख्या हम ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे इससे दोनों कट जाए, दोनों कैसे कटेंगे, अब दो से काटेंगे अगर कटेंगे दो बटे 16 और 24, फिर दो से काटेंगे दो चौका छह, फिर दो से काटेंगे दो दोनों। अब देखिए यहां तक जहां तक संख्या है दोनों से कटे या तीनों नंबर कटे वहां तक का मैसम होता है। अब देखिए यह तीन नंबर दो गुणी दो गुणी दो आठ क्या हो गया, इसका एससीएफ हो गया और मैं सर इसके आगे बढ़ेगी दो एक दो अभी हो गया दो गुणी दो गुणी दो गुणी दो गुणी दो। इस प्रकार हम एक ही स्थान से लस और मस दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें एक चीज और प्राप्त हो गया, देखिए क्या कि लस 48 और मस 8 है, क्या इन दोनों का गुणनफल इन दोनों गुणनफल के बराबर है, जी हाँ बराबर है। अब हमें डिफिनेशन और प्राप्त हो गया, वह यह हो गया कि लस गुणी मस बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, लेसर गुणी मैसा बराबर पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या, इसे पलट के भी कह सकते हैं पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर लेसर गुणी मैसा, और हम यह भी कह सकते हैं लेसर गुणी मैसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब अगर हम इसको मान को रखेंगे जैसे लेसर कितना है 48 गुणी 8 बराबर 16 गुणी 24 लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड पर नया पक्ष बराबर नया पक्ष, इस कंडीशन में दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब दोस्तों अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझ लेते हैं हम लोग, पर जो सॉल्व किया जाता है उसके लिए क्या है, जैसे 8 देखिए 8 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 16 और 24 दोनों को विभाजित करती है। यदि किसी प्रश्न में आ गया जैसे एक ग्वाल के पास तीन दूध के बड़े बड़े कंटेनर थे जिनकी माप 160 मीटर 240 मीटर और 160 लीटर 200 लीटर 240 लीटर के थे, वो बड़े से बड़े माप बताइए इससे तीनों कंटेनर दूध को वो माप ले, जब बड़ा सा बड़ा शब्द कहे तो सदैव क्या करेंगे मस, क्योंकि देखिए 8 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 16 और 24 दोनों को विभाजित करती है। किंतु जब यह पूछे कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 16, 20 और 25 से पूरी तरह भाग देने विभाजित हो जाए, जब छोटी छोटी संख्या की बात करेगा तो सदैव आप लसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे लसा निकालेंगे। किंतु दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ एक बारीकी और समझ जाऊंगा, जब यह देता है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 14, 18 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, अब 5 अंक की बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या कह दे, जब कोई अंक देकर कहे तो सदैव तब भी लसा निकालते हैं। लेकिन यदि इस तरह से नहीं दिया गया है और बड़ी से बड़ी कहेगा तो मस और छोटी छोटी कहेगा तो लस, कैसे, जब ये बड़ी से बड़ी कहता है उत्तर छोटा छोटा आता है, जब ये कहता छोटी छोटी है उत्तर उससे बड़ा आता है। अगर कंफ्यूजन हो आपको तो विकल्प देख लीजिएगा, आपको विकल्प से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है कैसे करना है क्या सही है अथवा नहीं, कहने का मतलब यह है कि हम लोग विकल्प का सहारा लेकर भी देख सकते हैं कि कैसे क्या आपको भी, अगर आपको समझ में आ गया होगा ठीक है, ये तो आप कमेंट बॉक्स से पूछेगा मैं और बेहतर समझाने का आपको प्रयास करूंगा। और देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी छोटी छोटी संख्या क्या होगी इसमें इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 से बचे, जब शेष बचने के लिए कहे तो सदोल एलसीएम निकालने के बाद शेष को जोड़ देंगे जो प्राप्त होगा वही आपका उत्तर होगा। और अगर दोस्तों इस तरह से पूछता है प्रश्न वह कौन सी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्या प्रत्येक दशा में इन इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधा सा फॉर्मूला है नियम कि आपको उन सभी संख्याओं का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, फिर जो कह रहा है जोड़ने पे उसे घटा दीजिए जो प्राप्त संख्या होगी वो उत्तर हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता।
कहता है ट्रैफिक लाइट के लिए आता है कि तीन ट्रैफिक पत्तियां इतने इतने सेकंड बदलती हैं, यदि वह एक साथ इतने बजे बजी अगली बार कब बजेगी, उसके लिए क्या करेगा, सब कैल्शियम निकालेगा सभी सेकंडों का, फिर सभी सेकंडों को 60 से भाग देके जो भाग फल जाएगा मिनट, जो शेष बचेगा सेकंड, उसे जोड़ दीजिएगा, आपको नया समय प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको सीटेट डिपेटेड के नहीं आएंगे, और आएंगे तो मैं आपको लाइव क्लास में आके उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर सजेस्ट करिएगा, और अगर लाइक जरूर करेंगे कि आप एक लाइक मेरे वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब द्वारा, और सभी को आप शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चैनल हैं सब बेहतर पढ़ाते हैं, तो जरूर ये नहीं जो आपको बेसिक पढ़ाए, अगर आपको बेहतर लगा होगा तो लाइक करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे मैं लाइव आऊंगा या मैं कोई वीडियो डालूंगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, कोई भी सोच रहा होगा आपको तत्काल पहुंचेगी, इसलिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद जय भारत।